हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफगानी दूतावास ने उखाड़ फेंकी राष्ट्रपति अशरफ गनी की तस्वीरें। जी हां दोस्तों, देश को धोखा देने और लूटने के आरोप में गिरफ्तारी की मांग की गई है दोस्तों, और कभी भी अशरफ गनी को गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, जहां देश के धन को चुराने का बड़ा आरोप लगाया गया है दोस्तों अशरफ गनी पर। ऐसे में बड़ी खबर उससे आ गया आपको बताएंगे, जहां पर उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने खुद को घोषित किया कार्यवाहक राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, संकट के बीच ये बड़ा ऐलान किया गया है। बताएंगे आपको क्या इनके राष्ट्रपति घोषित होने के बाद तालिबान इनको छोड़ देंगे दोस्तों, बताएंगे जरूर। इससे जुड़ी खबर उससे आगे आपको बताएंगे, जहां पर ISI का अफगानिस्तान मिशन हुआ पूरा, पाकिस्तान वापस जाते दिखाई दिए हथियारों से भरे ट्रक। जी हां दोस्तों, फिर एक बार पाकिस्तान के काले करतूत का बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, बताएंगे आपको। पूरी तरीके से तालिबानियों को हथियार प्रोवाइड करवाए गए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, इसकी बड़ी जानकारी देंगे हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर आखिर मिल ही गया राष्ट्रपति अशरफ गनी का पता। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे अफगानिस्तान से भागकर अशरफ गनी इस देश में छिपे हुए हैं दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ इनको लेकर, बताएंगे कौन से देश पहुंच गए हैं ये। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर अफगानिस्तान मामले पर चर्चा के लिए ब्रिटिश पीएम ने इमरान खान को लगाया है फोन। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर देश में रह रहे अफगानी नागरिकों को लेकर भारत को सतर्क रहने की सलाह दी गई है दोस्तों, बताएंगे अब ये क्या कर सकते हैं जो भारत को सतर्क रहने का सजेशन दिया गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में पहली क्लास से लेकर पांचवी तक के बच्चों के स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे इस तारीख से इनके स्कूल खुल जाएंगे, अब खुद बच्चों को जाना पड़ेगा स्कूल। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर तालिबान ने देश को आजाद किया ऐसा बोलने वाले सपा सांसद पर उत्तर प्रदेश में देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर बीजेपी विधायक ने कहा जिन्हें भारत में डर लग रहा है वो अफगानिस्तान जाकर देखे। जी हां दोस्तों, हर तरह की जानकारी देने वाले हम आज आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, साथ ही भारतीय सेना है, तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही होंगे भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक, और योगी जी हैं अगले मुख्यमंत्री। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफगानी दूतावास ने उखाड़ फेंकी राष्ट्रपति अशरफ गनी की तस्वीरें। देश को धोखा देने और लूटने के आरोप में गिरफ्तारी की मांग की गई है दोस्तों। बता दें कि अफगानिस्तान में जिस दिन तालिबान ने पूरी तरह कब्जा किया, उसी दिन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए, जिसके बाद से हर कोई उन्हें लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है दोस्तों। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है दोस्तों, जिसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। पड़ोसी देश ताजिकिस्तान में स्थित अफगान दूतावास में अशरफ गनी की तस्वीरों को हटा दिया गया है, उसके स्थान पर अमरुल्लाह साले की तस्वीर लगा दी गई है दोस्तों। ताजिकिस्तान में अफगान राजदूत जहीर अकबर ने कहा है कि अमरुल्लाह साले संविधान के अनुसार वैध राष्ट्रपति हैं और वो उनकी बात ही मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अशरफ गनी अपने साथ काफी पैसा लेकर गए हैं, उन्होंने चोरी का काम किया है और अफगानिस्तान के साथ विश्वासघात किया है, अफगानियों यानी कि अफगान के लोगों के साथ में बहुत बड़ा छलावा किया है। राजदूत ने यह भी कहा कि गनी मोहेब दोस्तों, जो NSA हमदुल्ला मोहिब के नाम से भी जाना जाते हैं दोस्तों, और फजली जो पूर्व राष्ट्रपति फजल महमूद है, को इंटरपोल द्वारा हिरासत में लिया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों के पैसों को चोरी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अशरफ गनी के इस पैसों को लेकर जाने के पीछे आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या गनी ने देश के साथ धोखा किया है दोस्तों, और अफगानी लोगों के साथ में बड़ा छलावा किया है या नहीं, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जो इसी से जुड़ी खबर, जहां उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने अपने आप को ही घोषित कर दिया है कार्यवाहक राष्ट्रपति, और ये संकट के बीच बड़ा ऐलान होने वाला है दोस्तों। बता दें कि अमरुल्लाह साले ने खुद एक ट्वीट करके लिखा है कि अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति उनके देश से भागने
में इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में पहला उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। अतः मैं इस समय देश में ही मौजूद हूँ और वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति हूँ। मैं सभी नेताओं के पास उनके समर्थन और सहयोग के लिए पहुँच रहा हूँ। उल्लेखनीय है कि अभी तक अमरुल्लाह साले की इस घोषणा पर तालिबान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, जो आपके मन में विचार आया होगा कि आखिर तालिबान का इस पर क्या एक्शन होने वाला है दोस्तों, और क्या अमरुल्लाह साले को भी मार दिया जाएगा तालिबानियों की तरफ से, दोस्तों हर सवाल के आपको जवाब मिलेगा लेकिन कुछ वक्त बाद दोस्तों। लेकिन ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज जानना चाहते हैं दोस्तों और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और जो भाई और बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो पाकिस्तान का एक बार फिर तालिबानियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। ISI का अफगानिस्तान मिशन पूरा होते ही पाकिस्तान वापस जाते दिखाई दिए हैं हथियारों से भरे ट्रक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पाकिस्तान अब अपने असली रंग में आता दिखाई दे रहा है दोस्तों। अफगानिस्तान से हथियारों के जखीरे को अब धीरे धीरे पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हथियारों से भरे ट्रक और भारी हथियार अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर जाते देखे गए हैं दोस्तों। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक 16 अगस्त के बाद से सैकड़ों की संख्या में हथियारों से भरे ट्रक अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट को क्रॉस कर पाकिस्तान की ओर गए हैं दोस्तों। माना यह जा रहा है कि तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा हो जाने के बाद अब ISI का मिशन अफगानिस्तान पूरा हो चुका है दोस्तों, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद के लिए जो हथियार उपलब्ध करवाए थे वे अब वापस पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पहले भी इस बात की आशंका जताई थी कि तालिबान को पाकिस्तान की ISI की ओर से पूरी मदद मिल रही है दोस्तों। ISI उन तालिबानियों को अफगानी सुरक्षा बलों पर हमले के लिए तैयार कर रही थी। यही नहीं, पाकिस्तान से जैश और लश्कर के 8,000 से भी ज्यादा आतंकियों की मूवमेंट अफगानिस्तान की तरफ जाते देखे गए हैं दोस्तों। उन्होंने तालिबान के साथ मिलकर अफगानी सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं और अनेक इलाकों पर कब्जा किया है। ऐसे में दोस्तों भारतीय खुफिया एजेंसियों की ISI तालिबानियों की मदद को लेकर ये खुलासा बिल्कुल सच हुआ है दोस्तों। उनका शक बिल्कुल सही था और अब पाकिस्तान में जाते देखते हुए उनका पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। ऐसे में अभी तक पाकिस्तान का कोई बयान नहीं आया है, जैसे ही कोई बयान आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन अपने इस पाकिस्तान के काले रंग को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, जिन्होंने एक मानवता को झकझोर कर रख देने वाला काम किया है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो आखिरकार मिल ही गया राष्ट्रपति अशरफ गनी का पता। अफगानिस्तान से भागकर संयुक्त अरब अमीरात में छिपे बैठे हैं अशरफ गनी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही उठ रहा था कि आखिरकार राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले कहां गए। अब संयुक्त अरब अमीरात ने खुद माना है कि गनी और उनका परिवार वहीं रह रहा है। गनी पर अफगान जनता बेहद नाराज है दोस्तों, जिसे वो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के डर के बीच छोड़कर चले गए। आपको बता दें दोस्तों, तो वहीं UAE का कहना है कि उसने मानवीय आधार पर गनी और उनके परिवार को देश में पनाह दी है। UAE की ओर से सरकारी WAM न्यूज एजेंसी ने इसे लेकर विदेश मंत्री की ओर से बयान जारी किया है। हालांकि ये नहीं बताया है कि UAE के अंदर गनी कहां पर है दोस्तों, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके ये बता दिया है कि गनी उन्हीं के देश में अभी पनाह लिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको सीधे गनी से बात करनी है तो आप अफगानिस्तान से भागने को लेकर गनी को क्या मैसेज देने वाले हैं दोस्तों, क्या कहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो अफगानिस्तान मामले पर चर्चा के लिए ब्रिटिश PM ने इमरान खान को लगाया फोन, कहा तालिबान को ना दे एक तरफा मान्यता। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान से कहा है कि अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता अंतरराष्ट्रीय आधार पर दी जानी चाहिए, न कि एक तरफा क्षेत्र में उत्पन्न संकट से निपटने के लिए समन्वित रणनीति बनाने के लिए जॉनसन विश्व नेताओं के साथ फोन पर बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत करने से पहले मंगलवार की दोपहर इमरान खान से बात की थी दोस्तों। जॉनसन की यह बातचीत ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स
जिसमें अफगानिस्तान संकट पर बहस होने से पहले हुई है। ब्रिटिश संसद ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों को रद्द करके बुधवार को विशेष सत्र का आयोजन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जॉनसन ने रेखांकित किया है कि अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दी जानी चाहिए, ना कि एक तरफा तरीके से। उन्होंने कहा कि भविष्य में तालिबान सरकार की किसी तरह की वैधता उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत मानवाधिकारों के पालन और समावेशिता पर निर्भर करेगी। बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आने वाले दिनों में क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर करीबी संपर्क रखने पर सहमति जताई है। दोस्तों साथ ही उन्होंने जो बाइडन से भी बात की है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि इमरान खान नहीं सुधरने वाला, चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो वो अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले, तो कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान बैंक के अरबों डॉलर कर दिए हैं जब्त। जी हां दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो बाइडन ने तालिबान को दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका। बता दें, एक तरफ पाकिस्तान और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने की अपील की है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान के खजाने को जब्त कर लिया है। आपको बता दें, अमेरिका ने कहा है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा और इसके साथ ही अफगानिस्तान सरकार की अमेरिका में स्थिति में मौजूद सारी संपत्ति और अमेरिकन बैंक में रखे गए सारे पैसों को फ्रीज कर दिया है। दोस्तों यानी अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार जब बन जाएगी तो तालिबान के लोग अमेरिकी बैंक में रखे रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो बाइडन प्रशासन के एक अधिकारी ने अल जजीरा को इसकी पुष्टि कर दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बैंकों में अफगान सरकार के करीब 9.5 अरब डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। दोस्तों इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को नकदी के शिपमेंट को भी रोकने का फैसला किया है। दोस्तों जो बाइडन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में अफगान सरकार की कोई भी केंद्रीय बैंक संपत्ति तालिबान के लिए उपलब्ध नहीं होगी और सरकार की सारी संपत्ति को ट्रेजरी विभाग ने फ्रीज कर दिया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं जो बाइडन ने बिल्कुल सही कदम उठाया, तो आप भी थैंक यू जो बाइडन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान को लेकर अमेरिका समेत 21 देशों ने जारी किया है साझा बयान और महिलाओं को लेकर भी जताई है चिंता। जी हां दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित 21 देशों ने अपने एक संयुक्त बयान में कहा है कि हम अफगानी महिलाओं और लड़कियों, उनके शिक्षा, काम और आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बहुत चिंतित है। हम अफगानिस्तान में सत्ता और अधिकार के पदों पर बैठे लोगों से उनकी सुरक्षा की गारंटी का आह्वान करते हैं। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कैसे इन सभी देशों ने मिलकर तालिबानियों के खिलाफ ये मुहिम तैयार किया है। दोस्तों और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी बयान जारी किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां आपको बता दें कि भारत देश में रह रहे अफगानी नागरिक तालिबान और UNHCR के खिलाफ कर सकते हैं बड़ा प्रदर्शन। भारत को सतर्क रहने की दी है सलाह। जी हां दोस्तों, भारत में रह रहे अफगानी मूल के नागरिकों ने तालिबान और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR के खिलाफ आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करने के संकेत दिए हैं। दोस्तों अफगान एकजुटता समिति के प्रमुख अहमद जिया गनी ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत अपनी पॉलिसी साझा करे। उन्होंने कहा कि UNHCR कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, जो लोग नए आ रहे हैं वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। अहमद जिया गनी ने कहा कि इस बुरी हालत में सबको भारत सरकार से उम्मीद है कि वो हमारे साथ खड़े हों। अफगानिस्तान में जो हमारे परिजन रह रहे हैं उनका भविष्य क्या है, इसके लिए हम UNHCR के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं ये अफगानिस्तान की हार नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया की हार थी। भारत भी इसमें हार गया क्योंकि भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन पाकिस्तान के साथ था और अब पाकिस्तान वहां पर सत्ता में आ गया है और बाद में ये खतरा कश्मीर भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो अफगानिस्तान में बदलते हालात के बीच फिर कल प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी अहम बैठक हुई है। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो जब सेना हटाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से पूछा सवाल, तो इसके जवाब में अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि जो बाइडन नहीं चाहते हैं कि अमेरिका किसी युद्ध में लड़े और मरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सुलिवान जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि जो बाइडन का मानना है कि ताजिकिस्तान या पाकिस्तान या ईरान के पास अमेरिकी सेना की मौजूदगी बनाए रखने के लिए देश को युद्ध में लड़ने और मरने
करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन अप्रैल में ही घोषणा कर दी थी कि अमेरिकी सेना को इस साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो कौन कहता है सुधर गया है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, करनी और कथनी में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है तालिबान में, आप सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन ये रिपोर्ट आपको पूरी गवाही दे देगा क्योंकि तालिबान नहीं सुधरने वाला दोस्तों। अफगान का झंडा दिखाने पर बरसा दी है लोगों पर गोलियां, जिसमें 2 की मौत और 16 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के जलालाबाद देश का झंडा लहराए जाने से कट्टरपंथी इस कदर चिढ़ गए कि लोगों पर ही गोलियां बरसा दी। बताया ये जा रहा है कि फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई तो आधे दर्जन से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ये घटना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों, और लोग काफी ज्यादा इनकी आलोचनाएं कर रहे हैं, और तालिबानी कभी नहीं सुधर सकते, इसको पूरा विश्व देख रहा है दोस्तों। आपकी क्या राय होगी इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान का मुफ्त में प्रचारक बना पाकिस्तान और चीन। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से गदगद पाकिस्तान अब कट्टरपंथी विद्रोही गुट के शासन को मान्यता दिलाने के लिए परेशान है। तालिबान के सारे आतंकवाद को बढ़ाने की प्लानिंग में जुटे पाकिस्तान ने क्रूर लड़ाकों को संत बनाने की मुहिम शुरू कर दी है दोस्तों। साथ ही इस नापा गठजोड़ में ड्रैगन को भी शामिल कर चुके पाकिस्तान ने चीन को भरोसा दिया है कि वो तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को चीनी समकक्ष वांग यी से फोन पर बात की है और कहा है कि अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सहमति बनाने के लिए वो खुद दूसरे देशों में जाकर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो तालिबान पर फिर एक बार पाकिस्तान का बड़ा खुलासा, जहां तालिबान पर मेहरबान हुआ इमरान खान। 5 साल से जेल में बंद मुल्ला मोहम्मद रसूल को कर दिया है रिहा। जी हाँ दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार भी पूरी तरीके से मिली हुई है दोस्तों, और एक एक बंदा सरकार का तालिबानियों से खुश है दोस्तों, और तालिबानियों के हर एक्शन का समर्थन करता है। बात करें अगली खबर की तो तालिबान को खुला चैलेंज देने वाली लेडी गवर्नर भी हो गई है कैद, खुद बंदूक उठाकर लड़ रही थी तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार गिरने के बाद से ही पूरे देश में जिस प्रकार तालिबान का राज कायम हो गया है दोस्तों, ऐसे में तालिबानियों के खिलाफ लड़ने वाली सलीमा मजारी, जिन्होंने तालिबान को मजा चखाने की बात की थी दोस्तों और बंदूक उठा लिया था और घर घर से एक एक पुरुषों को जोड़ा था दोस्तों और अपनी टीम बनाने की कोशिश की थी, उनको तालिबानियों ने कैद कर लिया है दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज। चलते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान ने देश को आजाद किया ऐसा बोलने वाले सपा सांसद पर उत्तर प्रदेश में देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने देश को आजाद कराया है, ऐसा बयान देने पर अब उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग, क्या इनके खिलाफ ये एक्शन सही है या गलत, कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से अब खुलेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल, इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी दोस्तों, सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया। तो वहीं स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के लिए 23 अगस्त से फिजिकल क्लासेस के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल 23 अगस्त से खुलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि रक्षाबंधन के बाद स्कूलों में शिक्षित बच्चों के लिए सुनिश्चित की जाए। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो बेटियों को मिला एक और बड़ा अधिकार, अब लड़कियां भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बता दें सुप्रीम कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को सेना को फटकार लगा दी है दोस्तों। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ये एक नीतिगत निर्णय है जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा है कि नीतिगत निर्णय लिंग भेदभाव पर आधारित है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को भी 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए और कहा है कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे
में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, और जिस प्रकार से लड़कियों को भी अब एनडीए की परीक्षा दे सकने के लिए फैसला सुनाया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो योगी जी का चुनावी बजट से जुड़ी खबर, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं चौकीदारों सहित कई कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। जी हां दोस्तों अगली खबर की बात करें तो जब मां ईडी के सामने हुई हाजिर तो महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर ही साधा निशाना, कहा नए इंडिया में विरोधियों को एनआईए और ईडी का नोटिस मिलना रस्म की बात। जी हां दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अपनी मां को लेकर भड़कती हुई केंद्र पर ही निशाना साधने लगी दोस्तों। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे को लेकर इनके तरफ से एक भी बयान नहीं आया, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इनको लेकर, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, तो बच्चों के लिए राहत भरी खबर आ रही है, सितंबर तक आ सकती है स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों आईसीएमआर एनआईईवी की निदेशक प्रिया अब्राहम ने 2 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के बीच कहा है कि भारत में सितंबर तक बच्चों के लिए एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन आ सकती है दोस्तों। साथ ही आपको बता दें एक बीजेपी विधायक ने कहा है कि जिन्हें भारत में डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाए, वहां पेट्रोल भी सस्ता है। जी हां दोस्तों बता दें बिहार से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल ने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों को भारत में डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाए, वहां पेट्रोल भी सस्ता है। क्या लगता है दोस्तों आपको इनके बयान को लेकर, आपके क्या सुझाव होंगे, क्या ये सही बयान दे रहे हैं दोस्तों, या फिर कहीं ना कहीं इनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो अगले सप्ताह कई राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लीजिएगा दोस्तों अपने बैंकों का, हमने स्क्रीन पर भी दे दिया, आप देख पा रहे होंगे किन राज्यों में कितनी तारीखों को और क्यों होने वाली है छुट्टी, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर। ऐसे में आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।